गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। हियर इज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट इज अ ट्रीटमेंट टू डिसॉल्व डेंजरस क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स विच इम्प्रूव ब्लड फ्लो, प्रिवेंट डैमेज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो थ्रोम्बोलाइटिक्स ये एक ड्रग्स है जो कि ब्लड वेसल्स में अगर कोई भी टाइप के क्लॉट्स अगर फॉर्म हो गए हैं तो उसको डिसॉल्व करने के लिए या फिर उस क्लॉट्स को ब्रेक करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स यूज़ होता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो। अगर ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स रहा तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, तो उस क्लॉट्स को रिमूव करके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, प्लस टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स दैट is it breaks the clots which has been already formed in the blood vessels which are responsible to occlude the blood flow in the blood vessels। तो उस occlusion को मिस उस resistance जो clot के कारण अगर blood vessels में blood flow नहीं हो रहा है तो उसको clots को remove करने के लिए thrombolytic agents use होते हैं। The thrombolytic agents available today are serine proteases that work by converting plasminogens to the natural fibrinolytic agent that is plasmin। तो main जो clot को break करने के लिए एक agent चाहिए वो है आपका plasmin। और ये plasmin कहाँ से form होता है? plasminogens से। तो ये thrombolytic agents जो है ये serine proteases form में रहते हैं जो कि plasminogen को natural fibrinolytic agent plasmin में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये प्लास्मिन क्या करता है, जो क्लॉट को क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। हियर इज द कैटेगरीज ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स विच इज ऑल्सो नोन एज फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स। सो फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज दैट इज फिब्रीन स्पेसिफिक एजेंट्स एंड नॉन फिब्रीन स्पेसिफिक एजेंट्स। फिब्रीन स्पेसिफिक एजेंट्स इंक्लूड अल्टीप्लेस, रेटीप्लेस एंड टेनिकटेप्लेस प्रोड्यूस लिमिटेड प्लास्मिनोजन कन्वर्शन इन द एब्सेंस ऑफ फिब्रिन। तो ये जो फिब्रिन स्पेसिफिक एजेंट्स क्या करता है, जो इससे पहले मैंने कहा था कि जो प्लास्मिनोजेंस है वो एक्टिव प्लास्मिन में चेंज होता है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल। प्लास्मिन इज यूजफुल टू ब्रेक द क्लॉट विच हैज़ बिन ऑलरेडी फॉर्म्ड इन द ब्लड वेसल्स। तो ये जो प्लास्मिनोजन फिब्रिनो स्पेसिफिक एजेंट्स का भी सेम एक्शन है, वही है कि वो प्लास्मिनोजन को प्लास्मिन में कन्वर्ट करता है और क्लॉट को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नॉन फिब्रिन स्पेसिफिक एजेंट्स, एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकाइनस विच कैटलाइज सिस्टमिक फिब्रिनोलाइसिस। तो नॉन फिब्रिन स्पेसिफिक एजेंट्स का में आता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनस जो कि मेन रेस्पॉन्सिबल है आपके ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने में। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, हियर आर द टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। द मोस्ट कॉमनली यूज क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स नोन एज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स इंक्लूड एमिनेस, रेटावेस, स्ट्रेप्टेस, टीपीए, टीएनकेस एंड एबोकाइनेस। हेयर आर सम रिस्क ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। जब थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स ले रहे हैं तो पर्सन में कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स आपको दिख सकते हैं, जैसे कि सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, तो पर्सन में क्या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट एक्टिव ब्लीडिंग और सीवियर ब्लड लॉस, जैसे ये क्लॉट्स अगर एक बार रिमूव हो गए तो सीवियर ब्लड लॉस भी हो सकता है पर्सन में। हेमरेजिक स्ट्रोक फ्रॉम ब्लीडिंग इन द ब्रेन, सीवियर किडनी डिजीज, रिसेंट सर्जरी, ब्रूसिंग और ब्लीडिंग एट द एसेस साइट। तो कोई भी साइट में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे अगर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो। तो डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकते हैं। माइग्रेशन ऑफ दीज ब्लड क्लॉट टू अनदर पार्ट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। तो ये क्या है, अगर आप थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो ले रहे हो तो ये इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरे जगह, मीन्स एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन में ब्लड वेसल्स के थ्रू माइग्रेट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट किडनी डैमेज इन पेशेंट्स विद डायबिटीज़, तो जो पर्सन डायबिटीज़ है उनके में किडनी डैमेज भी होने के चांसेस रहते हैं जब आप ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स यूज़ करते हो। सो ये है आपके पॉइंट्स जो कि रिस्क फैक्टर्स है व्हेन यू यूज़ द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स।
Next is indications. Indications, streptokinase is given for ST elevation, myocardial infection. तो myocardial infection वाले person जिसमें ST elevation हुए वैसे person को देते हैं. Arterial thrombosis वाले person को देंगे. Next DVT, that is deep vein thrombosis, जो कि vein में blood clot हो गया तो उस time पे. Pulmonary embolism, intra-arterial और intravenous catheter occlusion, means जो intra-arterial और intravenous catheter में जब clots के कारण कोई restriction, means occlusion हो रहा है, occlude हो रहा है, जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे ये ड्रग्स आप दे सकते हैं. नेक्स्ट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट सेरेब्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेंट्रल वीनस कैथेटर ऑक्लूशन. सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन एट द टाइम. तो जब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है कोई क्लॉट के कारण या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण ब्लड वेसल्स में, तो उसको रिलीज करने के लिए, मीन्स पर्सन को उससे रिलीव करने के लिए आपको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स ड्रग्स देने हैं. नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट्स आर नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा. तो पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस रहते हैं, हाइपोटेंशन, फीवर एंड शिवरिंग. तो फीवर भी हो सकता है, पर्सन को शिवरिंग के साथ फीवर आ सकता है, सेरिब्रोवैस्कुलर हेमरेज हो सकता है, हाइपरटेंशन होगा, सस्पिशन, aortic dissection. Aortic dissection मतलब इट इज़ अ टीयर इन द इनर लेयर ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स ब्रांचिंग ऑफ द हार्ट. तो ये क्या है, जो इनर लेयर है, इनर लेयर में अगर कोई टीयर, मतलब उसमें कोई क्रैश हो गया है या फिर थोड़ा भी वो टीयर हो चुका है, उसको बोलते हैं aortic dissection. तो thrombolytic agents के कारण ये चीज़ हो सकता है. Next, active internal bleeding. So these are the adverse effects of thrombolytic agents. Next is contraindication. To whom you should not give the thrombolytic agents. फर्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक सीवियर पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन. तो जो भी पर्सन को अगर हाइपरटेंशन हुआ है, क्रोनिक सीवियर, जो भी वैसे पर्सन को नहीं देना है. या फिर इस्केमिक स्ट्रोक, कभी भी पास्ट हिस्ट्री में इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, डिमेंशिया हुआ है, मीन्स मेमोरी लॉस, ब्रेन से रिलेटेड कोई जजमेंटल उनको प्रॉब्लम है, या फिर रिसेंट इंटरनल ब्लीडिंग, नो कंप्रेसिबल वैस्कुलर पंक्चर्स, प्रेग्नेंट मदर्स. नेक्स्ट करेंट यूज ऑफ एन एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन. अगर पर्सन एंटीकोएगुलेंट दैट इज वारफेरिन ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे पर्सन को भी ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स ड्रग्स नहीं देने. सो हियर द टॉपिक एंड्स रिगार्डिंग द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स. थैंक यू.